झगड़ा हो गया भाई। लड़की ने क्या टू पीस बिकनी पहन रखी थी भाई, इसीलिए मेरे को क्या अपनी गाड़ी से जाना ही सबसे सही लगता है। तो भाई लोगों, आपका फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। और शाम के टाइम निकल गए, अरे पिक्चर साफ ही आती रहना, देखने वाले की नज़र साफ चाहिए। तो अभी हम निकल गए हैं शाम के 7:45 बजे, अभी जाएंगे बीच पे, वहीं बैठेंगे आराम से, वहीं इंजॉय करेंगे। रात को पैदल पैदल जाएंगे, पैदल पैदल आ जाएंगे। भाई यहाँ पे क्या, पेट्रोल पंप तो बहुत मतलब हाईवेज पे ही हैं और पेट्रोल मिलता है बोतलों में यहाँ पे, क्योंकि स्कूटी इतनी किराए पे चलती है ना, तो पेट्रोल बोतलों में पड़ा रहता है, जगह जगह एक लीटर लो और डाल लो। भाई हमने जो स्कूटी ली थी ना, उसमें तो कोई निखिल भाई जैसे मुंबई का निखिल है ना, उसने ज़्यादा तेल भरा दिया था दूसरे आदमी के लिए, तो हमारे लिए भी क्या, कोई आदमी 50-100 रुपये का तेल छोड़ गया था, हमने बहुत ज़्यादा चलाई नहीं उसमें। हमारी स्कूटी हमने टोटल 2 दिन में चलाई मेरे ख्याल से कोई 40 किलोमीटर, तो वो 40 किलोमीटर का तेल उसमें ऑलरेडी था, तो हमें डलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कहीं पे भी कोई तेल नहीं डलाया, बस स्कूटी का भाड़ा दिया, नई वाली फसीनों का दिया हमने 400 रुपये रोज का, तो 2 दिन के हमने दिए उनको 800 रुपये। एक बार फिर से आ गए भाई हम लोग गोलगप्पे खाने, भैया जी के गोलगप्पे इतने पसंद आए कि जाने से पहले एक बार और खाने आ गए। तो राणा क्या थक गया आज बहुत ज़्यादा, तो सोच रहा कि फुट मसाज करवा ले, देखते हैं अभी रेट वेट। ये है भाई वो मछली जो खा जाती है, क्या खा जाती है, वो डेड स्किन को खा जाती है इसमें। ना भाई मैं कुछ नहीं करा रहा। अरे यार मैं कराता ही नहीं, ना ना मैं ज़िंदगी में नहीं कराई आज तक। तो ये है भाई शाम की रौनक टीटोज लेन की, भाई कहाँ जाएगा इसके, घड़ी तावड़ी आ रही है। ये भाई सारे ये क्या, द वाइट गोवा कॉकटेल ड्रीम्स टीटोज, एकदम यहाँ की वो वॉकिंग स्ट्रीट टाइप हो रखी है। तो भाई एक बार फिर से आ गए हम लोग बागा बीच के, ये जितने रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ आ गए हैं, क्योंकि आज हमारी यहाँ पे आखिरी शाम है गोवा में, तो आखिरी शाम को एंजॉय करने के लिए फिर से पहुँच गए हम यहाँ। भाई के अंदर से डांस निकल रहा है, देखो बहुत ही ज़बरदस्त डांस निकल रहा है अंदर से। झगड़ा हो गया भाई, किस किस का हुआ पता नहीं, लेकिन झगड़ा हो गया। ये वाली टेबल वालों का और शायद आगे वाली टेबल वालों का झगड़ा हो गया भाई, क्योंकि जिसका डांस निकल रहा था ना, वो कुछ ज्यादा ही डांस कर रहा था। मंडे का इंपैक्ट देख रहे हो भाई लोगों, ये देखो पूरा खाली, एक भी बंदा नहीं है अंदर, और स्टाफ लगभग उतना ही है जितना परसों था। ये देखो अंदर पूरा खाली पड़ा, एक भी कस्टमर नहीं है, थोड़े बहुत जो कस्टमर है ना वो बाहर ही बैठे हैं बस, वो भी बहुत थोड़े से हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है। भाई ये है वो टीटो, ये देखो टीटो हेनरी डिसूजा, जिसने ये सामने वाला टीटोज बनाया ना, ये सामने ये इस भाई ने बनाया था, जय हो इसकी। तो भाई टीटोज को बाय बाय कहने का समय आ गया है, आज की हमारी आखिरी शाम है यहाँ पे टीटोज फ्ली मार्केट, और ये पूरी टीटोज की गली है, टीटोज डिसूजा ने ये बनाया था सब क्लब व्लब। ये देखो हुक्के की वैरायटी, देखो कितने हुक्के हैं भाई, हुक्के ही हुक्के हैं। चलो जी बाय बाय टीटोज। ये भाई म्यूजिक की आवाज़ रात को 11:30 बजे, देखो 11:20 हो गए रात के, और ये म्यूजिक रात को चल रहा है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। अभी भाई नहाए धोए कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रश किया है और जा रहे हैं नाश्ता करने, क्योंकि नाश्ता 10 बजे बंद हो जाता है, तो 9:15 बज गए, इसलिए जाके पहले नाश्ता करेंगे। और हालत देखोगे आप, आँखें कैसी सूजी सूजी हो रही है, अरे पीछे से रोशनी आ रही है। तो अभी फ़िलहाल नाश्ता करते हैं, फिर आके नहाएंगे धोएंगे। ये इसको देख के ऐसा लग रहा है कि DDA के फ्लैट्स को होटल में कन्वर्ट कर दिया, देखो बिल्कुल ऐसे फ्लैट वाली एंट्रेंस, फ्लैट वाला फील, बाहर से ये छोटी छोटी बालकनियाँ, दिल्ली में DDA के फ्लैट्स ऐसे ही होते हैं भाई। तो राणा जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं। ये होटल रोहित ने बुक किया था, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है रोहित के साथ कि जब भी रोहित होटल बुक करता है उसकी मुट्ठी टाइट हो जाती है, खर्चा होता नहीं है उससे, और बाद में अगर 2 स्टार या
वन स्टार होटल होता है तो टू जो होता है वो ख़राब होता है। भाई आज हमारे पास खाने में ऑप्शंस हैं, आलू के पराठे, पोहा, एक फ्रूट है और यहाँ पे उत्पम है, चटनी है और एक ऑमलेट है। मतलब जो ब्लूम सूट्स में जो हमारे पास ऑप्शन हुआ करती थी उसके मुकाबले यहाँ पे 5% ही ऑप्शन है। देखते हैं टेस्ट होगा तो इतने में भी काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं। तो भाई नहा धो के हो गए रेडी और सामान हमने कर लिया सारा अपना पैक। टाइम बस हो गए हैं 11 बज गए हैं, चेकआउट का टाइम हो गया, तो चेकआउट करके मतलब सामान को रख देंगे लॉबी में और चेकआउट करके 2 घंटे का जो हमारे पास टाइम है उसमें हम आसपास की मार्केट घूम लेंगे। भाई धूप निकल गई है फुल फ्लैज, आज हो गई है गर्मी। खैर आज फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि हमारा लास्ट डे है, बस 1 बजे तक हम लोग यहाँ से टैक्सी पकड़ के और एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। 2 घंटे का समय है, 2 घंटे बिताने हैं, बस आसपास पैदल पैदल घूमते फिरते बिता लेंगे। खाना टैटू वैटू बनवाना हो कुछ नहीं बनवा लिया अगर यार गोवा है तो टैटू तो बनवाया अगर गोवा का। ये देखो थोड़े से एरिया में ही स्कूटी देखो आप कितनी खड़ी हुई हैं, मतलब पूरे गोवा में मिलाओगे तो कई लाख स्कूटी होंगी। ये देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक सारी स्कूटियाँ खड़ी हुई हैं और पेट्रोल भी एंड टू एंड यहाँ बोतल में मिल जाता है, यहीं से लो, पेट्रोल पंप ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। ये शायद राइट साइड में पार्किंग है अपनी गाड़ियों की, काफ़ी लंबी सारी पार्किंग है। तो अभी सामने ही है कालंगूट बीच तो ना, इधर पर भी देख। तो भाई हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली एक बार और कालंगूट बीच पे। पहले जब हम आए थे तब तो हमने कहीं दाएं बाएं इधर उधर स्कूटी खड़ी करके आए थे, ये एक प्रॉपर रास्ता है जहाँ से अभी आए ना, ये वाला एक प्रॉपर रास्ता है कालंगूट बीच आने का। और थोड़ी देर बैठेंगे शेक पे कहीं पे आराम से, फिर चलेंगे यहाँ से निकलेंगे। भाई कालंगूट बीच के ऊपर एक और नई कहानी है, अगर आप यहाँ पर बैठ रहे हो और वो आपको पहली कंडीशन रखेंगे कि 1000 रुपये का मिनिमम आपको ऑर्डर करना पड़ेगा तो आप बैठ सकते हो, अदरवाइज़ 300 रुपये 400 रुपये कुछ भी वो सिटिंग चार्ज लेंगे 1 घंटे पर बैठने के। और हमारे को 4 दिन हो गए यहाँ आए हुए, पहली बार ये सीन हमारे साथ हो रहा है कि हम यहाँ पे आते हैं बैठते हैं सब जगह खाते पीते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कितने का भी बिल आए वो सब कंडीशन कोई भी नहीं रखता है। बट भाई ये एक नया है, और जबकि मतलब ट्यूसडे है कोई ऐसा फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड वाला सीन नहीं है, लेकिन ये भी एक चीज़ है भाई, तो ध्यान रखना जो भी भाई लोग आ रहे हैं वो बैठ रहे हैं वो। यहाँ भाई इंग्लिश के साथ साथ रशियन भी लिखी हुई है ताकि रशियंस जो हैं वो इजीली समझ लें। देखो मेन्यू कार्ड में पूरी रशियन भी साथ में लिखी हुई है, सी व्यू ला सी व्यू रशियंस के लिए भी बना हुआ है साथ में। ये जो 2 फॉरनर जा रहे हैं ना भाई, ये लड़की ने क्या 2 पीस बिकनी पहन रखी थी, तो सब इंडियंस लगे हुए थे इसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए, मतलब इनको 15-20 मिनट तक इनकी जान काहे रखी भाई, सेल्फी लिए जा रहे हैं। फिर इस लड़की को समझ में आया कि भाई ऊपर से ढकना है, तब जाके लोगों ने बंद किया, मतलब तब भी बंद नहीं किया, बेसिकली पुलिस की वैन को आना पड़ा, किसी ने कंप्लेंट करके बुलाया, पुलिस की वैन आई तब उन लोगों ने इनका पीछा छोड़ा। तो भाई यहाँ पे बीच में 1 घंटा बैठने के 300 रुपये दे दिया हमने। और ये जो 2-3 टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा जो लोग आ रहे हैं गोवा ना, पहली चीज़ तो आपके पास शेक पे या आसपास कोई भी लड़की आके बैठे और आपको थोड़ा एंटरटेन करने की कोशिश करे तो भाई उससे थोड़ा बच के रहना, 99.9% फ्रॉड है। दूसरा टिप यह है कि हम जब कैसीनो गए तो हमने इंडिविजुअली नहीं खेला कि 2000 2000 2000 तीनों ने अपना इंडिविजुअली नहीं खेला, हमने उसको एज ए टीम खेला। उससे प्लस क्या पॉइंट रहा हमारा कि हमारे पास टोटल मिला के 3 आदमियों के 6000 रुपये के कॉइन्स हो गए, तो जब हमने उसको एज ए टीम खेला ना तो हम 6000 का खेल रहे थे और इंडिविजुअली खेलते तो 2000 हम 2-2 मिनट में ख़त्म कर चुके होते, इसीलिए हम जीते। वो 7000 9000 जो भी हम जीते ना वो इसीलिए जीते क्योंकि हमने एक टीम की तरह उसको प्ले किया। और तीसरी चीज़ भाई, रात के टाइम आपको कोई भी मिलेगा वो जो मिलेगा ना वो आपको क्या बोलेगा कि चलो आपको क्लब ले चलता हूँ पब ले चलता हूँ, तो वो भी 99.9% भाई फ्रॉड ही है, तो उसके चक्कर में भी बिल्कुल मत फंसना। अभी कहीं बैठ के लंच करेंगे और फिर निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो भाई वीडियो गेम में लगे हुए दोनों भाई एकदम, कोई मतलब नहीं है, कस्टमर वस्टमर को देते रहेंगे जवाब, पहले जीतना है गेम, क्योंकि जो गेम जीतेगा उसको आज एक जहाज मिलेगा, आज डेल्टन रॉयल का टिकट मिलेगा इनको फ्री, इसीलिए दोनों भाई सिर्फ गेम में बिजी हैं, बात करने में बिजी नहीं है, कस्टमर में भी बिजी नहीं है। तो होटल से चेकआउट करके निकल गए एयरपोर्ट के लिए भाई, आज हमारे को छोड़ने जा रहे हैं पिंडेकर, क्या नाम है आपका, प्रदीप। प्रदीप और
प्रदीप जी छोड़ने जा रहे हैं। यहाँ पे भाई एक इशू और है, मतलब यहाँ पे गोवा माइल्स की जो टैक्सी है और जो टैक्सी यूनियन की टैक्सी है, उन दोनों में भी थोड़ा आपस में झोलझाल चलता रहता है। तो सिटी के अंदर अगर आप गोवा माइल्स बुलाते हो तो कई बार चांसेस रहते हैं इशूज़ होने के, तो ये भी एक है, इसका भी थोड़ा रहता ही है, तो आप ध्यान रखना जो भी इधर आएँ। और अभी निकल रहे हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुँच के लाउंज एक्सेस करेंगे, वहीं पर लंच करेंगे और फिर अपन अपनी फ़्लाइट बोर्ड करेंगे दिल्ली के लिए। वहाँ से शाम की ट्रेन मैंने करा दी है, अगर वो कंफर्म हो जाती है तो आज रात को ही जयपुर पहुँच जाएंगे। भाई ये लेफ्ट साइड में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बन रहा है, कितना बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। और ये बन रहा है एलिवेटेड फ्लाईओवर सीधा एयरपोर्ट जाने के लिए, ताकि सिटी को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाए, ये जो नीचे वाला भीड़ भाड़ वाला रास्ता है उससे बच के और सीधा डायरेक्ट एयरपोर्ट पर एंट्री। एयरपोर्ट पहुँच गए हैं भाई ऑन टाइम 2:45 बजे, अपने पास बहुत टाइम है, आराम से बैठेंगे। चेक इन तो मेरे को लगता है आराम से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहता नहीं है एयरपोर्ट पे। भाई गोवा में ये क्या पैरासेलिंग और ये सब भी होती है, हमने तो करी नहीं। राणा ने अपना चेक इन बैगेज डाल दिया है, मैं अपना बैगेज साथ में कैरी कर रहा हूँ। और भाई ये है यहाँ का एयरपोर्ट, एकदम नया ब्रांड न्यू बना है अभी, एकदम साफ सुथरा एयरपोर्ट है। अभी देखते हैं लाउंज का एक्सेस मिलता है नहीं मिलता है, अपने जितने कार्ड से उसमें से कोई चलता है नहीं चलता है, क्या भी रहेगा। यहाँ से बाहर निकले थे, वो एरिया तो बहुत ही अजीब सा था, यहाँ लग रहा है भाई बढ़िया दुकानें, उस वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं खाने के लिए, मिला ही नहीं अपने को जब आए थे उस वाले पार्ट पे, तो था ही नहीं। यहाँ पे ठीक ठाक दुकानें वकानें हैं, लाउंज है इधर, देखते हैं लाउंज में जाके। बढ़िया भाई नया एयरपोर्ट एकदम। सो आज का लंच रहेगा हमारा लाउंज में, राणा जी ने सूप भी ले लिया है, थम्सअप भी ले लिया है, दही भी ले लिया है, दही बल्ले। इससे ये पता चलता है कि भाई जाटों में कोई सर्द गर्म नहीं होता, वो सिर्फ यादवों को ही होता है। तो भाई लॉन्च में लंच वंच किया, बढ़िया मस्त मज़ा आ गया, एक नंबर मज़ा आ गया, क्योंकि बाहर अपने को कोई सी फूड मिलता और सी फूड खा के मैं तो पक चुका था। तो अब बोर्डिंग का हो गया टाइम, अब आ गए अपन गेट नंबर 9 पे, बोर्डिंग करेंगे। ट्रेन अभी तक कन्फर्म हुई नहीं है, देखते हैं फ्लाइट उड़ने से पहले ट्रेन कन्फर्म हो गई तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर कल सुबह की कराएंगे। तो भाई बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट, लग गया है जहाज अपना, और बस और आधे घंटे बाद फ़ोन कर देंगे स्विच ऑफ, फिर देखेंगे एयरपोर्ट उतर के कि भाई अगर टिकट कन्फर्म हुई है तो जयपुर पहुँच जाएंगे, और अगर नहीं हुई होगी तो फिर कल जाएंगे। तो भाई फ्लाइंग के बहुत सारे रूल्स हैं, तो राणा ने इस बार हमारे को सिखाया कि क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो ये अब हमने सीखने शुरू कर दिए। धीरे धीरे अपन भी ट्रेन बजाएंगे राणा जी की तरह। तो राणा जी ने ले लिया विंडो सीट और ये यहाँ से बाहर के नज़ारे देखते हुए अपनी यात्रा को पूरी करेंगे। तो भाई एयरक्राफ्ट अभी रनवे पे जाने के लिए तैयार, अभी तो बैग हो रहा है, आगे से ट्रक धक्का मार रहा है, रिवर्स गियर तो होता नहीं जहाज में, ना ऐसे ही ना, पक्का नहीं होता, चलो पक्का नहीं होता मान लेते हैं, बाकी जाके गूगल कर लेंगे। सो द प्लेन इज रेडी टू टेक ऑफ। सिर्फ पीएम मोदी की होगी और किसी के लिए तो खैर इतना खास रोकते नहीं है, तो वो
वो भी एक मूवमेंट है जिसकी वजह से होल्ड किया हुआ है, तो 35 मिनट का फ्यूल बचा है भाई, देखते भाई। इसीलिए मेरे को क्या अपनी गाड़ी से जाना ही सबसे सही लगता है। साला अपनी गाड़ी में तेल कितना है अपने को पता होता है, कहाँ चलना है वो अपने को पता होता है, कहाँ रुकना है वो अपने को पता होता है। अभी तो सिर्फ पायलट क्या है इन्फॉर्म कर रहा है कि वहाँ वीआईपी जो लैंडिंग है उसके लिए पहले इमरजेंसी है और रनवे के आसपास मतलब वेदर ख़राब है और बहुत सारे एयरक्राफ्ट लाइन में लगे हुए हैं, तो वो बहुत सारे एयरक्राफ्ट में कब किसका नंबर आएगा कुछ नहीं पता भाई। भाई तेल थोड़ा ही बचा उतार दे फटाफट यार, ऐसे ही घुमाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या नीचे दिखने तो लग गया कौन सा शहर है, लेकिन कभी नीचे लेते हैं कभी ऊपर लेते हैं, वेदर तो बाहर ख़राब हो ही रखा है कहते हैं। भाई नीचे पूरी दिल्ली दिखाई दे रही है, ये देखो घर ही घर है, घर ही घर, मकान ही मकान। भाई उतार दे प्यार से आराम से यार, तेल कम बचा है इसके पास, लैंडिंग की तैयारी हो गई है भाई पूरी। आ गए हैं रनवे पे भाई, आराम से टच करियो, आराम से भाई, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, बहुत। आज हमारा प्लेन भाई उस कंडीशन में था कि कहीं दूसरी जगह पर लैंडिंग करा नहीं सकते थे, मतलब यहीं करानी थी, 5-7 मिनट का फ्यूल ही बचा था, इतना ही मार्जिन पे उतरा बस। भाई सही सलामत लैंड हो गए, चलो थैंक्स टू द पायलट एंड थैंक्स टू गॉड भाई। अब लेकिन टाइम का जो कुशन है ना वो बहुत कम बचा है, अब अपने को गुड़गांव से जो ट्रेन पकड़नी है ना वो थोड़ा टाइट मामला है। तो भाई अभी हम 15 मिनट से एयरपोर्ट के ही चारों तरफ गोल गोल लगभग घूम रहे हैं और हाईवे जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो यहीं घूम रहे हैं। ये है भाई दिल्ली, इसीलिए दिल्ली छोड़ के जयपुर सही समय पे चला गया मैं, नहीं तो यहाँ पे ऐसे ही गोल गोल ही घूम रहा होता आज। ये भाई 4.9 किलोमीटर के 25 मिनट है, यहाँ पे देख लो क्या हाल है, लाल ही लाल है पूरा। तो भाई गुड़गांव स्टेशन पर ट्रेन आ गई है अपनी राजधानी और ऑन टाइम है, मतलब 2 मिनट की लेट है, 2 मिनट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ चल रही है व्लॉग की एडिटिंग, भाई बिस्तर पर बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन से लंका लगी हुई है। परसों रात को ट्रेन पहुंच गई थी 12 बजे जयपुर स्टेशन, घर आया, घर आके सो गया, व्लॉग को एंड नहीं कर पाया, उनका बाद में करेंगे। और कल से बुखार हो रहा बहुत ज़बरदस्त, कल भी फैक्ट्री नहीं जा पाया, आज भी फैक्ट्री नहीं जा पाया, तो घर पे बैठ के व्लॉग्स एडिट कर रहा हूँ। डे 1 का डाल चुका हूँ, डे 2 का भी एडिट कर रहा हूँ। और मैंने जो फ़्लाइट थी मेरी वो पकड़ी थी दिल्ली के लिए, वो इसलिए पकड़ी थी कि एक एंड तक का अपना साथ हो जाएगा भाई, दोनों का एंड तक साथ हो जाएगा। मैं जयपुर की भी पकड़ सकता था बट मैंने कहा ठीक है अपन दिल्ली की पकड़ के वहाँ से ट्रेन से आ जाएंगे, बट वो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा पूरी सीरीज़ में, अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं आपको जल्दी किसी अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।